देश के प्रधानमंत्री ऐसा काम करते हैं कि इन्होंने कोई चीज बकाया नहीं रखी है कि बंदरगाह भी बेच लिए, इसके बाद में रेलवे भी बेच ली, बिजली भी बेच ली। मोदी जी जरा समझ के चलो, नहीं तो क्या होगा। ये किसान भाई बोले वाले हैं, ये आपको सब कुछ समझा देंगे। जय जवान जय जय किसान। किसान की लड़ाई नहीं है, ये आम जनता की लड़ाई है। कानून तो वापस होके ही रहेंगे, चाहे किसी तरह से हो, और नहीं तो ये लड़ाई जारी रहेगी। आप देख रहे हैं डी भारत न्यूज, देश की आवाज। मैं हूं आज मिर्जा, डी भारत न्यूज चैनल देख रहे हैं आप। आइए मिलते हैं जिला अध्यक्ष महिला मोर्चा से, पूछते हैं क्या नाम है आपका? कुसुम चौहान। तो आज कहाँ जा रही हैं आप? आज हम लोग फरखाबाद जिले के नवाबगंज रामलीला ग्राउंड में जा रहे हैं, जहाँ पर आज महापंचायत का आयोजन किया गया है। तो उस कार्यक्रम के जो अतिथि हैं, तो वो कौन है? मुख्य अतिथि श्री राजेश चौहान जी है, जो उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं। तो ये जो काले कानून है, इसके विरोध में आप लोग महापंचायत कर रहे हैं क्या? जी हाँ, हम उसी के बारे में महापंचायत कर रहे हैं। जन जन तक ये बात पहुंचाई जाएगी कि ये एक किसान की लड़ाई नहीं है, ये आम जनता की लड़ाई है। हर व्यक्ति को अपने घर से निकल के किसान भाइयों का साथ देना चाहिए। ये हर माँ बहन बेटे बेटी और बड़े बुजुर्गों का ये आंदोलन है। जैसे वो तो ये देश के प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं इस टाइम, ऐसा ऐसा काम करते हैं कि इन्होंने कोई चीज बकाया नहीं रखी है कि बंदरगाह भी बेच लिए, इसके बाद में रेलवे भी बेच ली, बिजली भी बेच ली। अब क्या रह गया है? अब तो खाली किसान की चमड़ी रह गई, वो भी बेचने को ये तैयार है। बताओ, ऐसे ऐसे प्रधानमंत्री हुए कि पहले तो अंग्रेजों से गुलाम था भारत, अब ये खद्दर के नेताओं से गुलाम है, ये खद्दर के नेताओं से गुलाम है। अरे ये सब किसान देख रहा है, अब किसान कब क्या करेगा ये आप लोगों को नहीं मालूम है। अरे आने दो, 22 में जो किसानों ने मन में ठानी है किसान वही करेगा। इसके बाद में 24 में क्या होगा मोदी जी आप देखना। ये किसान हर चीज को जानता है, भीतर की आत्मा को जानता है। आप कहते थे भाई और बहनों, माता और बहनों, देख से देश देख रहा है। अरे देश नहीं देख रहा, ये तुमको देख रहा है। तुमने कहा किया क्या कर रहे, खाली कागज में चिन्ह बना रहे हो, जमीन में कोई भी आपने चिन्ह नहीं बना पाया। मोदी जी जरा समझ के चलो, नहीं तो क्या होगा। ये किसान भाई बोले वाले हैं, ये आपको सब कुछ समझा देंगे। जय जवान जय जय किसान। भारतीय किसान यूनियन व उसके पदाधिकारी कार्यकर्ता अपनी जान देने को तैयार हैं, लेकिन इन भारत के तीनों काले कानूनों को हर